क्वांटिगो फिगर के पहले पार्ट में हमने बेसिक के बारे में समझा कि कैसे बहुत सारे इसमें टाइप्स देखे अपन, सिक्स टाइप के देखे अपन उसमें, तो इसी बेसिक का यूज करके अब आज के इस वीडियो में अपन क्वेश्चन लेंगे, जो एग्जाम में प्रीवियस में क्वेश्चन आया हुआ है उसको अपन सॉल्व करेंगे। जो भी बेसिक में आप पढ़े हैं उसी बेसिक को कंबाइंड करना होता है। यहाँ पास जो क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे, हर बेसिक का कुछ ना कुछ पार्ट्स रहेगा, तो वहां पास अपन डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और उसको फिर अपन कंप्लीट उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको बताना है त्रिभुजों की संख्या। ये भी आपका एसएससी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें आपको बताना है त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो स्टार्ट करने से पहले अपन इसको नेमिंग कर लेते ताकि समझ अपने को अच्छे से आए। ए बी सी डी और ई, देखिए यहाँ पास जो पहले नॉर्मली जो दिखता है त्रिभुज उसको काउंट कर लीजिए। इसमें नॉर्मली क्या दिख रहा है, एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है, एक फिर दो फिर तीन और एक चार, चार त्रिभुज तो साफ साफ इसमें दिख रहा है आपको, आप इजीली तरीके से काउंट कर सकते हैं, वन टू थ्री और फोर, ठीक है। अब इसके अलावा और भी इसमें त्रिभुज बन रहे हैं क्या, देखिए इसमें अगर मान लीजिए मैं अगर बेस अगर बीसी लेता हूं, बेस बीसी से कितना त्रिभुज बन रहा है, एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है, देखिए ए बी और सी, तो बेस बीसी से कितना त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज, ठीक है। अगर बेस अगर मान लीजिए मैं डी लेता हूं, बेस अगर मैं डी लेता हूं डी ई, तो यहां से त्रिभुज कितना बन रहा है, देखिए एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है, ये एक त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज यहां पास जो दिख रहा है एक, और एक इसको मिलाएंगे आप ए से लेके डी और ए से लेके ई और फिर डी ई, एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है। तो बेस डी से कितना बना, दो त्रिभुज, एक छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज, यहां से त्रिभुज कितना हो जाएगा, दो, तो टोटल कितना हो गया, चार तो ऐसे काउंट हुआ था आपका, तो यहां से चार कितना हो गया आपका, ये चार छह और एक सात, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, सेवन हो जाएगी। इसके अलावा भी और कोई त्रिभुज बन रहा है क्या, चेक कीजिए, चेक करते हैं अपन। देखिए बेस बी डी हो गया, इसे एक त्रिभुज काउंट कर लिए अपन फोर में, है ना, बेस डी भी हो गया, इसे दो त्रिभुज काउंट कर लिए अपन यहां पास, और इसी बेस से भी अपना चौथा वाला त्रिभुज काउंट हो चुका है फोर में। इसके अलावा देखिए और कुछ है क्या, देखिए बी डी हो गया, अब इसको चेक करते हैं अपन, बी बेस बी ई, बेस देखिए तो यहां बन रहा है त्रिभुज ए बी और ई, इसको काउंट किया क्या आपने, नहीं किया काउंट, क्योंकि ये भी डायग्राम इसमें ऐड हो रहा है, यहां से कितना हो जाएगा आपका, एक त्रिभुज और हो जाएगा। इसके अलावा डी से अपन काउंट कर चुके हैं, इसके अलावा इसी से काउंट कर चुके हैं, डी सी से कोई बन रहा है क्या, देखिए बेस डी सी ये दोनों से देखिए, तो यहां से भी एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, ए डी और सी, इसको मिलाएंगे यहां से कितना हो गया, एक, तो टोटल कितना हो गया, सात आठ एक नौ, इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, नौ हो जाएगी, ठीक है। तो अपन पहले क्या किया, इंडिविजुअल काउंट कर लिए अपन, वन टू थ्री फोर, क्योंकि वन में क्या है आपका ए डी बी, ये हो गया, देन आपका टू में क्या है ए, ओ मान लीजिए तो ए ओ डी, तीन में क्या है ए ओ ई, और फोर में क्या है ए ई सी। उसके बाद अपन इंडिविजुअल बेस से निकाल लिए, जैसे कि अपन बी सी बेस से निकाल लिए, डी बेस से निकाल लिए, डी से कितना, दो त्रिभुज, बी सी से कितना, एक त्रिभुज, इसके बाद बी से कितना, एक त्रिभुज, और डी सी से कितना, एक त्रिभुज, टोटल कितना हो गया आपका, वन टू फोर सेवन, सेवन एट और एक प्लस नाइन, तो इसमें टोटल त्रिभुज संख्या कितनी हो जाएगी, नाइन हो जाएगी।